हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लाइन एजुकेशन विद विभा शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रसिद्ध भारत के प्रसिद्ध नगर तथा उनके उपनाम। तो देखिए, बहुत से शहर हैं हमारे भारत देश में, लेकिन उनको हम कुछ अलग नामों से भी जानते हैं, है ना। तो उपनामों से जानते हैं, तो आज जानेंगे हम सब लोग कि वो कौन कौन से शहर हैं जिनको हम और दूसरे नामों से बुलाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं उनकी उनकी फेमसनेस किस बात से है, ठीक है। तो देखिए, मलय का शहर किस शहर को के शहर को कहा जाता है? कर्नाटक को। गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को, ठीक है। तो देख लीजिए, कर्नाटक को किस और नाम से आप जान सकते हैं, प्रश्न के हिसाब से आप जान सकते हैं। और गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, ये तो आपने सुना भी होगा, जयपुर यानी कि पिंक सिटी कहते हैं उसको, है ना। राजस्थान का शिमला, अर्थात वहाँ पे ठंडा रहता है, शिमला में जैसे ठंडा रहता है ना, फेमस पहाड़ों की घाटियाँ हैं वहाँ पे। धान की डलिया किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। मेघों का घर, मेघों का घर यानी कि मेघालय, अर्थात मेघों का आलय। बगीचों का शहर किसको कहते हैं? कपूरथला को कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बगीचों का यानी यहाँ पे बाग ही बाग मिलते होंगे, है ना। और मेघों का शहर मेघालय को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मेघ यानी कि बरसात होती है, वर्षा के यानी बादल बहुत होते हैं, वर्षा का घर अर्थात मेघालय। अच्छा, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जमशेदपुर, जो राजस्थान में है। भारत का मानचेस्टर अलग है, उत्तर भारत का अलग है, दक्षिण भारत का अलग है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होने की ज़रूरत है। भारत का मानचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जो गुजरात में है। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं उसको, उस शहर का क्या नाम है मालूम है? केरल। केरल में सबसे ज़्यादा इलायची, काली मिर्च, नारियल, ये सब होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नगर शहर किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को, जिसको हम बेंगलोर भी कहते हैं। त्यौहारों का नगर किसे कहा जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, तो किसको कहा जाता है? मदुरई को। स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर शहर में है, इसलिए उसे स्वर्ण मंदिर का शहर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? पंजाब के अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर या नगर भी कहते हैं। अच्छा, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा कपड़े जो होते हैं वो बुनकर ज़्यादा बनाए जाते हैं, यानी सूती वस्त्र, रेशमी साड़ियाँ। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को, क्योंकि यहाँ पे अंतरिक्ष का अनुसंधान केंद्र भी है। डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? कोलकाता को, जिसको हम कलकत्ता कहते हैं। डायमंड हार्बर यानी कि यहाँ पे डायमंड मिलते हैं, डायमंड का वर्क ज़्यादा होता है यहाँ पे, इसलिए डायमंड हार्बर कहते हैं इस शहर को, ठीक है। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? प्रयागराज को, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, अब क्या है? प्रयागराज। पांच नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को, क्योंकि ये पांच नदियों से घिरा हुआ है। दो आप भी कहते थे इसको पहले। सात टापुओं का शहर किसे कहते हैं? और फिल्म सिटी मुंबई को कहते हैं, दो नाम है इसके, सात टापुओं से घिरा शहर और फिल्म सिटी। क्वीन ऑफ डक्कन किसे कहा जाता है? डेक्कन या डक्कन, एक ही बात है, जो है पुणे, किसको कहते हैं? पुणे को। भारत का हॉलीवुड यानी कि फिल्म सिटी किसे कहा जाता है? आपको सबको पता, अभी भी बताया हमने, मुंबई को। तो झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को, क्योंकि यहाँ बहुत सारी झीलें मिलती हैं, और इनके यहाँ के और यहाँ की झीलों पर पता है सबसे ज़्यादा नाग से पता चलता है, जैसे शेषनाग झील, है ना, इस तरह से। और भी जिस झील के पीछे नाग लग रहा हो तो आप समझ जाइए कि वो जम्मू कश्मीर के। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को, सब जानते हैं। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को, क्योंकि यहाँ पे इस्पात ज़्यादा पाया जाता है। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को, जिसे हम मंसूरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, है ना। पहाड़ों को देखने की इच्छा जब होती है तो लोग मसूरी का नाम बहुत लेते हैं, है ना। तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को, और नवाबों का शहर तो सभी जानते हैं। तो और क्या है? एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। अच्छा, राजस्थान का हृदय, एक देखो दिल्ली को बोला जाता है भारत का हृदय, लेकिन राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है किसको? अजमेर को। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? बरेली को, कहते हैं ना बरेली का सुरमा बहुत फेमस है। सुरमा कहाँ लगा जाता है? आँखों में, काजल के स्थान पर लगा जाता है, बरेली का
सुरमा पुरानी फिल्मों के गानों में जरूर आता है, सुन सकते हो आप लोग। अब क्या है, कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं, मैसूर को, है ना, बहुत फेमस शहर है ये कर्नाटक का। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोच्ची को। भारत का स्विट्ज़रलैंड किसको कहा जाता है, कश्मीर को। स्विट्ज़रलैंड का मतलब है ठंडा प्रदेश, जहाँ पे बर्फ़ मिलती हो। तो हमारे यहाँ पे भारत में बर्फ़ सबसे ज़्यादा, बर्फ़ के पहाड़ कहाँ मिलते हैं, कश्मीर में, ऐसा नहीं है वहीं मिलते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत वादियों से घिरा है इसलिए उसे स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, भारत का स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, फल उद्यान का शहर यानी कि फलों के बाग जहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं, फल उद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, सिक्किम को। सिक्किम में फलों के उद्यान यानी बाग ज़्यादा मिलते हैं। पहाड़ी की मल्लिका किसे कहते हैं, नेतरहाट को। पहाड़ी यानी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे बहुत। भारत का डेट्राइट किसको कहा जाता है, पीथमपुर को, ठीक है, तो पीथमपुर को डेट्राइट कहा जाता है। और पहाड़ियों की मल्लिका किसे कहा जाता है, नेतरहाट को। और अभी अपने पहाड़ों की रानी भी पढ़ा था, मसूरी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारत का पेरिस किसको कहा जाता है, विदेश में है ना पेरिस, तो लेकिन हमारे यहाँ पे महलों का शहर है, पिंक महल, पिंक महल ज़्यादा मिलते हैं, जिसको पिंक सिटी भी कहते हैं, उसका नाम है जयपुर। सॉल्ट सिटी को किसे कहा जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक होता है, गुजरात को। सोया प्रदेश किसको कहा जाता है, सोया प्रदेश, सोयाबीन होती है ना, तो सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, है ना, भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन और दालें भी होती हैं, इसलिए उसे सोया प्रदेश कहते हैं। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे इत्र बनाया जाता है, इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कहते हैं, कन्नौज को, ठीक है। काशी की बहन किसे कहा जाता है, गाजीपुर को, ठीक है। लीची नगर किस शहर को कहा जाता है, लीची जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है उसे कहा जाता है देहरादून, यहाँ पे लीचियों के बाग होते हैं। लीची सब खाइए आपने कभी, देखिएगा लीची मार्केट में देखिएगा, लीची सबसे ज़्यादा होती है देहरादून में, इसलिए लीची नगर कहा जाता है देहरादून को। नेक्स्ट है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है, मेघालय को। स्कॉटलैंड वो जगह है जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है, जहाँ पे बादल घने छाए रहते हैं, उसे यहाँ पे कहते हैं मेघालय, हमारे यहाँ पे है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ये भारत का मैनचेस्टर है, जिसे कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों की घाटी का शहर, घाटों का शहर किसे कहते हैं, वाराणसी को, क्योंकि यहाँ पे बहुत से घाट मिलते हैं, जगह जगह पर मंदिर मिलते हैं, मथुरा में भी ऐसे ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।